अर्चनास वेज पाकशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फटाफट बनने वाला बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट राजमा बनाने जा रही हूँ, जिसे आप राइस के साथ खा सकते हैं, रोटी, नान, पराठे आदि के साथ में ये राजमा बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं राजमा बनाना। फटाफट राजमा बनाना हो तो उसके लिए भीगे हुए राजमे चाहिए। तो हमने राजमा को भिगो दिया है और भिगोने के बाद में इसको हम कुकर में बॉईल करेंगे। और जब हम कुकर में डालेंगे तो हम इसमें थोड़े प्याज, लहसुन और अदरक को चॉप करके डालेंगे। राजमा हमने कुकर में डाल दिया है और इसके अंदर ओनियन, गार्लिक और जिंजर, इसको हमने बारीक चॉप करके इसको भी जब हम राजमा बॉईल करेंगे उसी वक्त इसको भी साथ में ही कुकर में डाल देंगे। आसपास हम पानी डाल देंगे और थोड़ी सी हल्दी डाल के और इसको हम गर्म करने के लिए रखेंगे 2 या 3 सीटी, क्योंकि राजमा अच्छी तरह से भीग चुका था तो ज़्यादा सीटी की ज़रूरत नहीं, ये 3 सीटी में आराम से ही पक जाएगा। इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है और पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा ही पानी डाला है, बस एकदम से जितना राजमा है उसके ऊपर ज़्यादा पानी नहीं आना चाहिए, नहीं तो जब सीटी आती है तो पानी बाहर निकल जाता है। तो इतना ही हमें डालना है और अब हम उसको ढक देंगे और 3 सीटी तक कुकर को गैस पे रखेंगे। राजमा हमने बॉईल करने के लिए रखा था तो राजमा बॉईल हो चुका है। इसमें हमने बारीक बारीक ओनियन चॉप करके रखे हुए थे, ये राजमा एकदम से बॉईल हो गया है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए हमने दालचीनी और तेज़पत्ता लिया हुआ है और बड़ी इलायची को हमने कूट के रखा है, ये बड़ी इलायची होती है, इसको हमने कूट के ये डालेंगे राजमा में। और किचन किंग मसाला 1/4 कप किचन किंग मसाला डालेंगे और इसमें कुछ नहीं डालना है, नमक डालेंगे। और टमाटर हमने 2 टमाटर का पेस्ट बना के रखा है, ये हम डालेंगे। और जो 1.5 ओनियन लिया था तो उसमें से आधा हमने इसमें डाल दिया था बॉईल करते समय, तो आधा हम इसमें तड़के के समय डालेंगे। तो कढ़ाई रख दी है हमने, एक पैन को हमने गैस पे चढ़ा दिया है, इसमें हम तेज़पत्ता और दालचीनी डाल देंगे। अब इसमें चॉप किए हुए ओनियन डालेंगे, ओनियन को कलर चेंज होने तक, ब्राउन होने तक थोड़ा इसमें ऐसे ही फ्राई करेंगे। ओनियन गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम उसके अंदर बड़ी इलायची का पाउडर डाल देंगे और जो हमने टमाटो को पेस्ट करके रखा था उसको मिला देंगे। टमाटर जब अच्छी तरह से पक जाए उसके फिर अब हम इसमें डालेंगे किचन किंग मसाला। मसाला अच्छी तरह से भुज गया है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको और ज़्यादा हमें सेकना है। और अब इसमें हम राजमा को मिला देंगे। अब इसमें हम नमक मिला देते हैं, नमक मिला के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब राजमा बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया हम सर्व करते समय डालेंगे। तो ये फटाफट बनने वाले राजमा तैयार। राजमा बनके तैयार हो गया है, आप भी इसे ज़रूर बनाइए,
बहुत जल्दी बन जाता है। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।